नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम होता है, जिसमें हम हर लगन के वार्षिक भविष्य फल पर बात करते हैं। वो आर्थिक तथा अन्य जीवन के क्षेत्रों के लिए होता है। आज मैं आपके साथ मकर लगन के ऊपर वर्ष 2022 में क्या होने जा रहा है, ये बात करने जा रहा हूँ। कैसा आपका भविष्य रहेगा मकर लगन के लिए, सबसे पहले आप अपने ज्योतिष के सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में जन्म का समय, तारीख, महीना और वर्ष तथा स्थान, पूरी सूचना सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। 10 नंबर का चित्र आएगा बीच के खाने, जिसमें मकर अथवा कैप्रिकॉर्न या लिखा होगा, तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा आपका नाम का अक्षर कोई इनमें से, तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? भो जा जी खी खू खे खो गा गे, ये नाम के अक्षर है। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के लिए वर्ष 2022 चौंकाने वाला अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध होने जा रहा है। उसका एक कारण ये है कि और पूरी दशा और दिशा हर व्यक्ति की बदल सकता है। कारण क्या है? वर्ष 2022 के अप्रैल माह में तीन बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। कार्मिक ग्रह राहु, बृहस्पति, शनि तीनों राशि बदलने जा रहे हैं। ऐसी ग्रह स्थिति लगभग पिछले 200 वर्ष में नहीं आई और आने वाले 180 वर्ष में नहीं आएगी। तो ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में अप्रैल माह की जो ग्रहों का राशि परिवर्तन है, दोबारा जीवन में देखने को आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। अब राहु 12 अप्रैल को वृषभ से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, केतु वृश्चिक से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, पूरे वर्ष यहीं रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी राशि है, पूरे वर्ष यहीं रहेंगे। असुर गुरु शनि 29 अप्रैल को अपनी राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, 12 जुलाई तक यहीं रहेंगे। 12 जुलाई के उपरांत वापस होकर मकर राशि में आएंगे, दिसंबर 31 तक यहीं पे रहेंगे। परंतु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आ रहा है 12 जुलाई में शनि की राशि वक्री होने के बाद, कि ये मीन लग्न में भ्रमण करते हुए गुरु पर अपनी दृष्टि डालेंगे, उसको शुभ प्रभावों को उनके कम करेंगे। इसके अतिरिक्त 29 अप्रैल को जब ये कुंभ में जाएंगे, तब से लेके 12 जुलाई के बीच में राहु के ऊपर अपनी तृतीय दृष्टि डालेंगे, जो मेष में चल रहे होंगे, तो अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थिति वो भी बन रही होगी। तो ऐसी ग्रह स्थिति लगभग किसी के जीवन में दोबारा नहीं आएगी। ये हर व्यक्ति के दिशा और दशा को बदलने जा रही है। अब मकर लगन के ऊपर क्या प्रभाव होने जा रहे हैं, जो सारे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य कैसा होने जा रहा है? साधारणतया मकर लगन में स्वास्थ्य अच्छा रहने के पूर्ण रूप से संकेत है। केवल जो लोग अनुवांशिक परेशानियों जैसे हड्डी रोगों, विटामिन डी अथवा बी की कमी, नेत्र रोगों, किडनी, मधुमेह, रीढ़ की हड्डी, घुटनों और प्रोस्टेट इत्यादि की समस्याओं से जूझ रहे हैं, अथवा जिनकी आयु 50-60 वर्ष से ऊपर है, उन्हीं के लिए थोड़ी परेशानियाँ होगी, अन्यथा बाकियों के लिए ठीक है। युवा अवस्था अशुभ ग्रह से जुड़े जातकों को स्वास्थ्य हेतु, कोई युवा अवस्था के लोगों को इन या किसी अन्य अशुभ ग्रहों से जुड़े जातकों को स्वास्थ्य हेतु कोई परेशानी होने के संकेत नहीं मिल रहे। परंतु कुछ तिथियाँ विशेष है जिनमें आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जैसे कि 5 से 12 जनवरी और 30 सितंबर से 5 नवंबर के समय में आपको मधुमेह, रीढ़ की हड्डी, किडनी, नेत्र, ऑस्टोपोरोसिस महिलाओं को विशेष करके, जैसे हड्डियों की समस्याओं तथा समस्याओं, लगातार होने वाली विटामिन डी की कमी, पुरुषों को प्रोस्टेट और महिलाओं को गायनी की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस समय में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी और विशेष करके 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य के समय में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा,
उसमें शुक्र भी इन्वॉल्व होगा जो पंचमेश है। इसी प्रकार 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य दुर्घटना से, अग्नि से, चोरी से या अन्य कारणों से, और यदि कुछ लोग गंभीर बीमारियों से पहले से जूझ रहे हैं तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। विशेष करके 70 वर्ष से ऊपर के हृदय रोगियों के लिए यह समस्या अत्यधिक सावधानी का होगा, क्योंकि ग्रह दोष, पितृदोष अथवा किसी भी अन्य कारण से रोग गंभीर परिणाम दे सकता है। इसी समय में विटामिन ए और डी की कमी कैटरेक्ट जैसी आंखों की सर्जरी, घुटनों अथवा जांघों की सर्जरी के योग बना सकता है। 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य बृहस्पति की स्थिति खराब होने से थोड़े दुर्घटना के योग देश विदेश दोनों जगह बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस, लिवर से जुड़ी अन्य समस्याओं, नशे अथवा शराब की अधिकता से जुड़ी समस्याओं, वजन बढ़ने की समस्याओं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बढ़ने से और इनसे जुड़ी समस्याओं से, जांघों घुटनों में थोड़े बहुत फैट का आना, फैट डिपॉजिट होना और जैसी समस्याएं ये आपको हो सकती हैं 24 जनवरी 26 मार्च के मध्य, क्योंकि बृहस्पति अस्त होने से फैट डिपॉजिट हो सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कभी कभार अधिकता हो जाती है और इन समस्याओं से कोहनी, जांघों, घुटनों में थोड़े बहुत फैट डिपॉजिट हो सकते हैं, ये समस्याएं हो सकती हैं। नियमित व्यायाम, खान पीन में संयम और रेगुलर चेकअप करने से इन समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। 1 मई के सूर्य ग्रहण और 16 मई के चंद्र ग्रहण तथा 25 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर के चंद्र ग्रहण से के समय फेफड़ों, हृदय रोगियों और मानसिक रोगों से जुड़े जातकों को अधिक सावधानी से समय निकालना होगा। 19 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य विशेष रूप से हृदय रोग, दुर्घटना से चोट, रीढ़ की हड्डी और घुटनों की समस्या, नेत्रों की गंभीर समस्या और घबराहट तथा ऊर्जा की अत्यधिक कमी और मधुमेह का अचानक बढ़ना, यह सब हो सकता है, विशेष करके यदि आपकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है तो। जो जातक मंगल के क्षेत्रों अथवा चोट दुर्गा संभावित क्षेत्रों से जुड़े हैं जिनमें चोटें इत्यादि लग सकती हो, जैसे फौज, पुलिस, खेल या खेतीबाड़ी, बिजली का क्षेत्र, तो कुछ तारीखें अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगी जिनमें वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो इस प्रकार है। 27 फरवरी से 7 अप्रैल, 28 जून से 10 अगस्त, 11 अगस्त से 16 अक्टूबर और 14 नवंबर से 31 दिसंबर। इस समय में चोटों के अतिरिक्त तीव्र रक्तचाप और नर्वस सिस्टम के समस्याओं से थोड़ा सा पक्षाघात के संकेत मिलते हैं या इस समय में हाथ पैरों में कंपकपाहट हो सकती है। इस समय में अधिक मसालेदार भोजन करना, मांसाहार, शराब की अधिकता करना या किसी भी कारण से तनाव की अधिकता होने से आपकी परेशानी हो सकती है, परंतु ये सभी परेशानियां दो कारणों से अधिक हो सकती है, या तो एक आपके कार्य क्षेत्र के कारण या आपके आनुवांशिक पारिवारिक समस्या से, या तीसरा जो कारण एक बनता है व्यायाम से, खान पीन से, शुभ तरीके से नहीं रहना और आपकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है और आप रक्तचाप के पहले से शिकार हैं। जीवन का दूसरा क्षेत्र है धर्म, कर्म, शिक्षा और भाग्य। 1 जनवरी से लेकर 12 जुलाई तक भाग्य की तुलना में कर्म ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इसके उपरांत 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक भाग्य का प्रतिशत थोड़ा उत्तम है और 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य भाग्य आपको सहायता दे सकता है। शनि, शुक्र, बुध क्षेत्रों से यदि आपकी शिक्षा का समूह जोड़ा हुआ है तो आप अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और केतु के क्षेत्रों से यदि आपकी कुंडली में पढ़ाई जुड़ी है या नीच मंगल, नीच राहु इत्यादि हो तो इनसे जुड़े क्षेत्रों में भी पढ़ाई के परिणाम साधारण रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा के परिणाम केवल 24 फरवरी से 26 मार्च या 26 मार्च एवं 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य थोड़े निम्न रह सकते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष परिणाम शुभ रहेंगे। 1 जनवरी से 8 अप्रैल तक थोड़ी बहुत बाधाओं के होने के बावजूद भी परिणाम शिक्षा में अच्छे रहेंगे, विशेष करके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के क्षेत्रों में। 9 अप्रैल से 24 मार्च में थोड़े परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रह सकते हैं। उसके उपरांत 24 अप्रैल से 2 जुलाई, 17 जुलाई से 31 जुलाई, 31 अगस्त से 3 दिसंबर के मध्य
शिक्षा हेतु समय उत्तम रहने के संकेत हैं। मंगल से जुड़े क्षेत्रों जैसे फौज, पुलिस से जुड़ी पढ़ाई, केमिस्ट्री, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई, फिजियोथेरेपी, खेतीबाड़ी की पढ़ाई, मेटलर्जी की, तांबे से जुड़ी विशेष करके पढ़ाई इत्यादि में कुछ तारीखें विशेष रूप से इस प्रकार की होगी, तो सावधानी रखनी होगी। आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र भी हो तो सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य कारण बनता है जिससे आपकी पढ़ाई में बाधा आ सकती है, तो कुछ तारीखें जिनसे इन सब क्षेत्रों में जो मैंने बोले हैं स्वास्थ्य कारण या अन्य कारणों से बाधा आ सकती है, क्या हैं ये तारीखें? 1 से 16 जनवरी, 8 अप्रैल से 17 मई, 1 मई से 20 मई, 11 अगस्त से 16 अक्टूबर तथा 14 नवंबर से 31 दिसंबर। अब जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं नौकरी अथवा व्यापार। आपका कार्य क्षेत्र यदि नौकरी या व्यापार की बात करें तो 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक देश विदेश में नौकरी व्यापार की तुलना में थोड़ी शुभ रहेगी। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य भी नौकरी शुभ रह सकती है। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य नौकरी में थोड़ी बाधाएँ रह सकती हैं। अचानक आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, विशेष करके 30 सितंबर से 8 नवंबर के मध्य और इसमें भी 25 अक्टूबर और 8 नवंबर के ग्रहणों के आसपास। 5 से 12 जनवरी, 19 जनवरी से 21 फरवरी और 24 फरवरी से 26 मार्च तथा 30 सितंबर से 8 नवंबर के मध्य सरकारी या गैर सरकारी किसी भी नौकरी में समस्याएं हो सकती हैं। आपकी अनुशासन की कमी, लापरवाही या अपने विभाग से जुड़े कुछ नियम कानूनों का पालन ना करने से इस प्रकार की समस्या हो सकती है। 1 मई 16 मई 25 अक्टूबर 8 नवंबर के ग्रहण के दिन, उससे कुछ दिन पहले और बाद, 2-3 दिन पहले और बाद इसी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। सरकारी नौकरी में विशेष करके यह समय खराब हो सकता है। अब यदि व्यापार की बात करें तो धन के ग्रह शनि की स्थिति उत्तम होने से 1 जनवरी से 12 जुलाई के मध्य व्यापार अपने रास्ते पर ठीक ठाक चलता रहेगा। इसमें भी 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य आपके साथ काम करने लोगों का परिवर्तन, आपकी साझेदारी में परिवर्तन, अब और पूरे व्यावसायिक इन्वायरमेंट में परिवर्तन आना संभव होगा। आपका काम करने का तरीका बदल सकता है, आप अपने कार्यस्थल को बदल भी सकते हैं। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों, बैंक, सरकार, वित्तीय संस्थानों के कारण अचानक की गई बाधाकारक नीतियों से आपके व्यापार में थोड़ी बाधाएँ आ सकती हैं। बृहस्पति शुक्र बुध से जुड़े व्यापार कम बाधित होंगे। सरकार से जुड़े ठेकेदारी, आयात निर्यात या बृहस्पति सूर्य मंगल से जुड़े क्षेत्रों में थोड़ी बाधा ज़्यादा हो सकती है। सरकार आपके काम करने के तरीके को जान सकती है या मिसमैनेजमेंट से थोड़ी सी आपको मिसमैनेजमेंट के कारण आपसे बात की जा सकती है। जीवन का अगला क्षेत्र है प्रेम विवाह तथा रिश्ते। आप कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण जीवन के इन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे या अत्यधिक आत्मविश्वास के चलते आपको रिश्ते अपने मन मुताबिक नहीं आप ढूंढ पाएंगे। रिश्तों की कमी नहीं, आप इतने व्यस्त हैं ढूंढ नहीं पाएंगे। जीवन साथी के कारण भी कार्य की अधिकतम व्यवस्था या समय नहीं दे पाने के कारण तनाव रह सकता है। 1 जनवरी से 30 मार्च और 15 सितंबर से 15 नवंबर के मध्य संतान, माता पिता अथवा कार्य क्षेत्र में भी रिश्तों में तनाव रह सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा व्यवस्थित होकर निर्णय लेते हैं तो विवाह हेतु वर्ष 2022 में अच्छा वर्ष प्रतीत हो रहा है। केवल 5 से 12 जनवरी, 24 फरवरी से 26 मार्च और 30 सितंबर से 5 नवंबर के समय जब तारा डूबा होगा तो विवाह, रिश्ते, सगाई, मुंडन और अन्य सभी संस्कार, घर का खरीदना, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, संपत्ति खरीदना, ये सब वर्जित होंगे। तो इन तारीखों में विवाह, रिश्ता इत्यादि नहीं होगा, अन्य तारीखों में रिश्ता हो सकता है। परंतु यदि आप विवाहित हो तो इन्हीं तारीखों में आपका संबंध जीवन साथी के साथ थोड़ा अशुभ रह सकता है। कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनमें मांगलिक प्रभाव देखने को मिलेगा। ये तारीखें 16 जनवरी से 7 अप्रैल, 28 जून से 10 अगस्त, विशेष करके मांगलिक देने वाली ये तारीखें होंगी। इनमें अचानक किया गया जल्दबाजी में किया गया प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है, इनमें ना फंसें। इसी प्रकार यदि विवाह करना है तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, विशेष करके मांगलिक जातक।
यदि वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहे हैं तो इस समय में कोई भी कानूनी पुलिस का जो है तनावपूर्ण निर्णय इस समय में ना लें। मकर लग्न के लिए महत्वपूर्ण उपाय क्या है? नीलम, हीरा और पन्ना तीनों ही रत्न मकर लग्न के लिए जीवन के हर क्षेत्र में अधिक शुभ रहेंगे। यदि आपका क्षेत्र मंगल ग्रह से जुड़ा है या आप मांगलिक इत्यादि हो तो आप रोज 3 बार हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ या मंगल ग्रह के बीज मंत्र या दुर्गा के नवार्ण मंत्रों का जाप करें। इससे भी आपके जीवन की समस्याओं को सुधार होता है, आप ऊर्जावान होते हैं और शांति मिलती है। यदि आप मांगलिक हैं और दशा ही मंगल की चल रही है तो आप हीरा, नीलम और मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। समस्याएं जहां पर अस्थिरता चल रही हो, शेयर मार्केट सट्टा इत्यादि हो या फैसले लेने में असमंजस की स्थिति आ रही हो तो आप नीलम, पन्ना एवं लहसुन या धारण कर सकते हैं। पक्षियों को बाजरा दे सकते हैं, गाय को रोटी दे सकते हैं, भगवान कृष्ण के तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। शनि का भ्रमण आने वाले कई वर्षों तक शुभ रहने से आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप मछली का भक्षण विशेष रूप से ना करें, साथ ही शराब इत्यादि का सेवन भी ना करें और सरसों के तेल के दीपक प्रातःकाल सूर्योदय के आसपास या सूर्यास्त के आसपास पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें। मछली के भोजन या कौए को भोजन, काली भैंस को भोजन और भैंस को गुड़ की रोटी दें, बंदरों को गुड़ जना दें तथा किसी अस्पताल में मानसिक रोगों और हड्डी के रोगों से जुड़ी बीमारियाँ बीमारों को दें। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।